हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक है। यहाँ पे जेपी हमारा ठीक है। जेपी देख, इधर देख, ये देखिए, जेपी मत कर, चला, हट जा। तो फ्रेंड्स, आज हम एक औषधीय पौधा लगाने वाले हैं। और क्या है जो आप बताना, आप अभी तो नहीं पहचान पाओगे क्योंकि उसके ऊपर है ना पत्ते नहीं आ रहे अभी, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आज हम लोग लगाने वाले हैं गिलोय की बेल, जो कि वो एक औषधि में सबसे अच्छा वाला पौधा माना जाता है। और अभी कोरोना में तो उसका बहुत ज़्यादा ही उपयोग हुआ था कि गिलोय के पौधा, वैसे नाम तो पहले सुना था पर इसके गुण इतने वो है, इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं था। पर जब से ये कोरोना वगैरह ये आया है और इसमें जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनके बारे में जितना भी मैंने पढ़ा है, तब मेरे को पता चला है कि ये गिलोय की बेल का जूस का ये सब इसका क्या है रे, बैठने नहीं दे रहा। तो इसका इतना वो जूस वगैरह, इसके वो पत्ते वगैरह लिए जाते हैं या, और गिलोय की बेल को इतना औषधीय माना गया है, तो आज वही मैं उसकी अहमियत जानी तो अभी लेकर आई हूँ मैं उसको। और ये भी पढ़ा है कि इसको नीम का जो पेड़ होता है ना, वहाँ पे लगाया जाता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है उसको। जैसे उसको नीम के वहाँ जड़ के वहाँ पर लगाएंगे और ये उसके ऊपर, नीम के ऊपर जाएगा बेल इसकी, तो अच्छा रहता है। तो आज हम लोग वहीं लगाने वाले हैं, तो चलिए अभी लगाते हैं वहाँ पे। खड्डा मैंने पहले ही खोद के तैयार कर दिया था और अभी बेल को लगाने के लिए जा रही हूँ। क्या है तेरे को, पेट भरता है तेरा? ये हर एक वीडियो में आ जाता है, इसको नहीं लेकर आती हूँ फिर भी ज़बरदस्ती आता है जेपी? अब इसको भी समझ में तो आने लग गया कि ये कैमरा वगैरह कुछ तो करते हैं, वीडियो बनाते हैं। बस बस छोड़ दे, छोड़ दे जेपी, छोड़ दे। तो चलो अभी लगाते हैं गिलोय की बेल। मैं बताती हूँ आपको पहले कि वो कैसी होती है, मैंने भी आज ही देखी है उसको। देखिए ये है नीम का पेड़, ये बहुत पुराना है यहाँ पे, तो इसी के यहाँ पे हम लोग ये लगा रहे हैं। ये रहा गिलोय का, देखिए ये ना, और ये इसके नीचे ये एक जड़ है ना, तो इससे ये लग जाएगी आराम से। अभी इसके पत्ते वगैरह नहीं आ रहे, पत्ते आएंगे तब मैं फिर से आपको बताऊंगी ये ग्रो करती है या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो कर जाएगी, पहली बार लाई हूँ मैं भी। तो इसको यहाँ पे लगाएंगे ना तो यहाँ ऊपर जाएगी। ये नीम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा भारी है, इसको लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? अभी यहाँ पे लगा दिया, अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ एक बाल्टी, तो पानी मैं लेकर आती हूँ उधर से।
फ्रेंड्स लगा दिया है मैंने गिलोय की बेल। आप दुआ कीजिए कि ये जल्दी से बड़ी हो जाए और बड़ी होकर यहाँ जाए इसके ऊपर। वैसे ये कोरोना से मतलब नहीं है, और भी कई बीमारियाँ होती है तो उसमें ये काफ़ी गुणकारी होती है, तो बस ये एक बार हो जाए तो अच्छा है गिलोय का। और अभी चलो ये लग गया, मैं बाजरा काट देती हूँ भी, शाम भी बहुत हो गई है, गाय का भी दूध निकालना है। तो अभी मैंने आधा बाजरा मैंने पहले काट दिया था और अभी आधा मेरा काटना बाकी है, तो वही मैं ख़त्म कर देती हूँ, आप देखते रहिए। ये वाले बाजरे की अभी इसकी दूसरी या तीसरी कटाई चल रही है, तीसरी कटाई चल रही है अभी, और अभी हम इसको निकालने वाले नहीं है, बारिश हो गई है तो भी यहाँ पे मक्की नहीं लगाएंगे हम, इसी को रखेंगे, क्योंकि ये बारिश के दिनों में भी फिर गाय के घास वगैरह की ज़रूरत रहती है, तो फिर हमें खेत पर जाके वो कचरा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम में बारिश रहती है तो सांप वगैरह ऐसे आते हैं तो उनका डर रहता है, तो ये खेत पर यहाँ ही से ले कर डाल सकते हैं हम लोग। तो इसको हम निकालने वाले नहीं है, अभी ये रहने वाला है। उल्टा हाथ चलता है तो इतना स्पीड नहीं चलता है। देखो इसको बांधना बताती हूँ आज मैं आपको, इतना सा ले लेते हैं हाथ से और इसको हम लोग इसको इस तरीके से रखते हैं ऐसे, फिर इस वाले को ऐसे मोड़ते हैं और ऐसा करके इस पूरे को एक साथ में उठा लेते हैं। ये देखिए ऐसा करने के बाद में इसको ऐसे खींच के एक बार मरोड़ेंगे, फिर ऐसा करके इसके अंदर डाल देंगे। ये सब मेरे को आता नहीं था फ्रेंड्स, ये मैं ये काटना वगैरह सब यहीं पे आके सीखी हूँ, मम्मी के घर पे इतना नहीं किया ये वाला काम, पर अभी कोई भी ऐसा काम नहीं है कि मेरे को ये खेत का काम आता नहीं है, अभी मैं सारा काम सीख गई हूँ। इसको काटते हैं ना तो हाथों पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बाजरे को काटते हैं तो खुजली होती होती है। तो फ्रेंड्स आज मेरे छोटी वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि आज मैं हमारे वो नरेगा का आखिरी दिन था तो फिर उसको ख़त्म करके फिर मैं वहाँ गई थी मार्केट में, तो दूसरी मसरूल वगैरह लेकर आई थी, तो बस उसी में पूरा दिन लग गया था। और चलो चलो तो बस इसीलिए अभी शाम हो गई थी, लेट हो गई थी, तो मैं एक वो गिलोय का पौधा लाई थी और बस उसको लगाया मैंने, और ये बाजरा वगैरह काटा है और बस अभी खाना वगैरह बनाऊँगी भी मैं। तो आज की बस वीडियो इतनी, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।